आप सबको जय मसीह की। पहला पत्रस 2 उसका 24 पद में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर कर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आमेन। तो आइए हम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं, उनके प्रार्थना निवेदनों को लेकर प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में आती हूँ। जो लोग हमें प्रभु फेसबुक में और व्हाट्सएप में और यूट्यूब में मैसेजेस करते हैं प्रभु, उन सब के प्रार्थना निवेदनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सच में आप अच्छे, आप भले हैं प्रभु, और आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता, और आपकी करुणा पीढ़ी दर पीढ़ी तक हमारे ऊपर बनी रहती है परमेश्वर। आपकी सच्चाई हमारे जीवन में है परमेश्वर, क्योंकि आप सच्चे हैं प्रभु। आप प्रभु जी स्वर्ग से बिलोंग करते हैं परमेश्वर, आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वदर्शी परमेश्वर हैं पिता। आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं पिता, आप यहोवा ईरे हैं, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं, आप प्रेमी परमेश्वर हैं प्रभु, दयालु हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता। हम सब मिलकर आपकी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु जो अपने पापों की क्षमा तुझसे मांगते हैं प्रभु, और उनका जीवन बहुत पाप में है परमेश्वर पिता। हम उन लोगों के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने वचन के अनुसार प्रभु आपने उनके पापों को क्रूस पर उठा लिया और प्रभु उन्हें पापों की क्षमा दी परमेश्वर, और पिता परमेश्वर एक धर्मी जीवन उनको आपने दिया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए, उन बीमारों के लिए दुआ करते हैं प्रभु, जिस प्रकार आपका वचन कहता है कि मेरे मार खाने से तुम चंगे हुए हो। प्रभु यीशु के मार खाने से आप लोग आपकी बीमारी से चंगे हुए हैं परमेश्वर। धन्यवाद कि आपने परमेश्वर उनकी हर एक बीमारियों को क्रूस पर उठा लिया, और हर एक बीमारी के लिए परमेश्वर आपने कोड़े खाए हैं प्रभु। चाहे प्रभु वो कैंसर की बीमारी है, चाहे वो डायबिटीज की बीमारी है, चाहे वो थायराइड की बीमारी है, चाहे वो अल्सर की और किडनीज प्रॉब्लम, और परमेश्वर वो किसी भी प्रकार की बीमारी है परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके वचन को अनाउंस करते हैं परमेश्वर कि प्रभु आपके मार खाने से हर एक बीमार चंगा हो गया है पिता परमेश्वर। हम अभी और इसी वक्त वो चंगाई की घोषणा उनके जीवनों में करते हैं परमेश्वर। यदि अभी कोई बीमार है तो यीशु मसीह नासरी के नाम से वो बीमारी उनके जीवन से प्रभु के जीवित वचन के अनुसार चली जाए। प्यारे प्रभु जी, हर एक बीमारी को उनके शरीरों से निकल कर दूर चले जाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने उन्हें पूर्ण रीति से चंगा कर दिया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद, हर एक बीमारी यीशु के नाम से चली गई है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर पिता जो अपनी जॉब के लिए से प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, और दिन रात परमेश्वर वो जॉब की तलाश में है प्रभु, वो सर्च कर रहे हैं परमेश्वर पिता। होने दे परमेश्वर, आप प्रभु जी उनके आगे आगे चलकर प्रभु उनके मार्ग को तैयार करें परमेश्वर पिता। जो प्रभु शैतान उनके कामों में प्रभु आड़े आता है परमेश्वर, और कुछ रुकावटें उनके जॉब में आ रही हैं प्रभु, तो यीशु मसीह नासरी के नाम से उस दुष्ट के हर एक बंधनों को, उसके हर एक कामों को हम नाश करते हैं प्रभु जी, और प्रभु उनके मार्गों को आप तैयार करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने उन्हें अच्छी जॉब दे दी है परमेश्वर पिता। हम धन्यवादी हैं परमेश्वर, हर एक उसके लिए, हर एक उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता जो प्रभु दुष्ट के, प्रभु ईवल स्प्रिट के कब्जे में है परमेश्वर पिता। जो इवल स्प्रिट प्रभु उन्हें अकेलापन महसूस करवाती है परमेश्वर, और आत्महत्या करने का परमेश्वर उनके जीवन में विचार आते हैं परमेश्वर, और प्रभु अपने जीवन को नाश करना चाहते हैं परमेश्वर पिता। कई लोग प्रभु डिप्रेशन में है प्रभु, कई लोग प्रभु रात को सो नहीं पाते हैं प्रभु, दुष्ट उन्हें डराते हैं परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, वो सारे इवल स्प्रिट यीशु मसीह की नासरी के नाम से मैं डांट कर आज्ञा देती हूँ कि उनके जीवन को छोड़कर अब भी और इसी वक्त निकल जाए प्रभु। वो हर एक डर का आत्मा उनके जीवन से
चला जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर एक प्रभु आत्महत्या करने का विचार यीशु मसीह नासरी के नाम से चला जाए प्रभु जी। हर एक वो दुर्घटना के सपने यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से चले जाए प्रभु जी। रात को जिन्हें नींद नहीं आती है प्रभु, वो बहुत डरते हैं, डर के मारे वो सो नहीं पाते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से जो दुष्ट उनके जीवन में कार्य कर रहा है प्रभु, हम ये सारे विचारों को उनके जीवन से कैंसिल आउट कर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। प्रभु जी आप उनकी रक्षा हिफाजत करें, उन्हें सुरक्षा दायरे में लें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक उन लोगों के लिए प्रभु दुआ करते हैं प्रभु, जो फाइनेंशियली परेशान है प्रभु जी, जो लोग प्रभु अपने कर्जे में प्रभु डूबे हैं परमेश्वर पिता, आप उनके लिए प्रभु फाइनेंस की व्यवस्था करें परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आपके स्वर्गीय भंडार में प्रभु हर चीज के लिए प्रभु हमारे लिए उपाय आपने करके रखे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद। हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु के नाम से उनके जीवनों से कैंसिल आउट करते हैं प्रभु जी, हर एक कर्जा यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके जीवनों से कैंसिल करते हैं प्रभु, आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें, क्योंकि आप यहोवा यिरे हैं, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर अपने जीवन में परमेश्वर अपने भविष्य के लिए परेशान है प्रभु जी, अपने फ्यूचर की टेंशन करते हैं परमेश्वर, आप उन लोगों के जीवनों में प्रभु कार्य करें पिता परमेश्वर। आप उनको उनके फ्यूचर में, उनके फ्यूचर को प्रभु आप सिक्योर करें प्रभु, उनके प्रेजेंट को आप सिक्योर करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए, दुआ करते हैं प्रभु जो आज पूरे दिन भर प्रभु जी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहे हैं प्रभु, बहुत ज़्यादा मुसीबतें आज उनके जीवन में रही परमेश्वर पिता, उन सारी मुसीबतों को प्रभु उनसे दूर करें प्रभु, और पिता उनके हर एक बोझ को आप उठाएं परमेश्वर पिता, और प्रभु सच में प्रभु आप प्रभु उन्हें प्रभु आराम दें प्रभु, आप उन्हें रेस्ट दें परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु जी, हम उन लोगों के लिए भी तुझसे दुआ करते हैं प्रभु, जो प्रभु परमेश्वर तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु तुझ में बढ़ने के लिए प्रभु, तुझ में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर, आप उनके जीवनों में भी कार्य कीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक बात को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन लोगों के घर में प्रभु लड़ाई झगड़े प्रभु होते हैं प्रभु, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रभु जी गलत फहमियां आ रही हैं प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो सारी गलत फहमियां उनके जीवन से चली जाए, वो हर एक लड़ाई झगड़ा उनके जीवन से चला जाए प्रभु परमेश्वर। आप उनके घर में शांति दें, आप एक दूसरे के प्रति प्रेम दें परमेश्वर पिता। प्रभु जी जिनके कोर्ट में केसेस चल रहे हैं परमेश्वर, आप उनके केसेस को सॉल्व करें परमेश्वर पिता। पिता आप उनके जीवनों में इन पाप को उनके जीवन से निकाल कर प्रभु आप उनके पापों की क्षमा उन्हें दे, और एक धार्मिकता का जीवन प्रभु आप उनके जीवन में दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक बात को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है परमेश्वर, आपने हर एक बीमार को चंगा कर दिया प्रभु, हर एक हमारी प्रार्थना निवेदनों को आपने सुन लिया है परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।